मैं अशोक चौरान जाट जाति से हूँ। जाट जाति से? जाट जाति तो सदा प्रसन्न बोध रही है। ये आचार्य धर्मकीर्ति जी की पुस्तक है, जाट जाति से संबंधित थे। हमारे सम्राटों की हत्याएं की गई। कनिष्क बहुत धर्मी राजा थे। हर्षवर्धन की बहन प्रियदर्शनी का यानी ब्राह्मणवादी ताकतों ने हरण किया। हम इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए निकले हैं और इसे ख़त्म करके ही दम लेंगे। जाटों को चांडाल घोषित किया गया था। चचनामा आप पढ़ लीजिएगा। चचनामे में चांडाल घोषित किया गया था। उस समय राजा दाहिर के समय राजा दाहिर की हत्या हुई। राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन के साथ शादी की। राजा दाहिर ब्राह्मणाबाद का राजा था, ब्राह्मण था। तो ऐसी व्यवस्थाओं के साथ हमारा शुरू से टकराव रहा है और इन व्यवस्थाओं को ख़त्म लेकर कर ही हम दम लेंगे साथी। सर, ये व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो आज ये धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है, तो आप ये धम्म दीक्षा, ये धम्म दीक्षा है क्या? धर्म अपने आप के अंदर, मानवता एक धर्म है। धर्म या धम्म? धम्म। हाँ। पाली भाषा के अंदर धम्म कहते हैं। उसी को चुरा लिया ब्राह्मणवादी ताकतों ने, धम्म को धर्म कर दिया। उसी ब्राह्मणवादी ताकतों ने प्रतिक्रांति हुई जो सम्राट अशोक के पटपौत्र की वृद्धत की हत्या के बाद कुशशुंग ने उनकी हत्या की। हत्या के बाद देश में प्रतिक्रांति हुई। इस प्रतिक्रांति के तहत ब्राह्मणों को अधिकार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। उस अधिकार के तहत यहाँ के मूल निवासी राजाओं की हत्या करने का अधिकार दिया गया। मनुस्मृति लिखी गई। शिक्षा का अधिकार हमारा छीन लिया। हमारी जो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था के अंदर जितनी जातियाँ थी, उन जातियों को, वर्ण व्यवस्था के अंदर जितने वर्ण थे, उन वर्णों को जातियों में परिवर्तित कर दिया गया। हम सभी शूद्रों को खाली तागड़ी बांधी जाती थी, जनेऊ के रूप में हमारी पहचान थी। जाटों को भी बांधी जाती थी, हमें भी बांधी जाती थी। सभी शूद्रों को बांधी जाती थी। ब्राह्मण सूत का जनेऊ पहनता था, क्षत्रिय मूंज का जनेऊ पहनता था, वैश्य सूतली का जनेऊ पहनता था। वर्ण व्यवस्था के अनुसार हमें काली तागड़ियाँ बांधी जाती थी। हम शूद्र हैं, हम इस देश के बहुजन हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। मैं अकेला जय भीम कहना पसंद नहीं करूँगा, मैं जय मूल निवासी, जय योद्धे कहना पसंद करूँगा। हमारी योद्धाओं की धरती रही है ये। रोहतक भूमि का धरती थी, रोहतक राजधानी थी योद्धाओं की। उस राजधानी में हमारी जो आज प्रजातांत्रिक प्रणाली है, सारी की सारी प्रजातांत्रिक प्रणाली उसी व्यवस्था की देन।